आज हम बाटी सीजन 2 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें अर्थ की ओर एक चीज आती हुई दिखाई जाती है, जिसे रोकने के लिए एयरफोर्स फायर करती है, पर इससे उसे कुछ नहीं होता। ये साल 1988 होता है और वो चीज न्यूयॉर्क में आके गिर जाती है, जो कि ईगो की सिप होती है। फिर उसमें से छोटा सा पीटर निकलता है जिसके पास पावर्स आ गई होती है। पुलिस उसे रोकने लगती है तो पीटर क्विल गाड़ियों को उठा के फोड़ देता है। इसके बाद बॉचर हमें 6 महीने पहले बताता है, जब योंडू अर्थ पे से पीटर कोइल को ले गया था, पर बीच में योंडू का मन बदल गया था, तो योंडू ने पीटर कोइल को ईगो को नहीं सौंपा। पर इस यूनिवर्स में योंडू का मन नहीं बदला और उसने पीटर कोइल को उसके पिता ईगो को सौंप दिया, जिसके बाद ईगो ने पीटर कोइल को उसकी पावर्स का यूज करना सिखाया और उसे बताया कि उसके बीच सभी ग्रह पर है, जिससे उसकी परछाई हर ग्रह पर होगी। इसके लिए जो उसे और पावर्स चाहिए थी वो पीटर कोइल के आने से मिल गई। इसके बाद हम शील्ड हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहां पेगी कार्टर और स्टार्क होते हैं। फिर पेगी कार्टर कहती है 24 घंटे में हमारा सोलर सिस्टम कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से पूरा बर्बाद हो जाएगा और ये लड़का एक न्यूक्लियर से कम नहीं है। तो आगवर्ड कहता है मुझे नहीं लगता कि अर्थ पर कोई है जो इस तरह की पावर्स को रोक पाए। तो पेगी कार्टर कहती है हाँ, पर एक टीम रोक सकती है। इसके बाद हम हैंक को देखते हैं, जो कि ओप के साथ बैठ के चिप्स खा रहा होता है, जिसके बाद उसे स्टार्क का कॉल आता है, पर हैंक स्टार्क से नाराज होता है तो स्टार्क उसे टीवी ऑन करने को बोल देता है, जिसमे की पीटर क्विल की न्यूज आ रही होती है। इसके बाद हैंक ओप के साथ शील्ड में चला जाता है। वहाँ हैंक पोस्टर से मिलता है और दोनों वहाँ आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एजेंट कार्टर भी आ जाती है। इसके बाद वहाँ किंग टचाका भी आता है उनका साथ देने के लिए। तो आगवर्ड स्टार्क उससे हाथ मिलाते हुए कहता है तुम्हारे पिता ने भी हमारी मदद करी थी युद्ध के वक्त। फिर टचाका कहता है हाँ मुझे पता है, मेरे पिता ने तुम्हें वाइब्रेनियम भी दिया था। तो स्टार्क उससे कहता है हमने उससे शील्ड बनाई थी लेकिन वो अंटार्कटिक में कहीं खो गई। जिसके बाद वहाँ विंटर सोल्जर भी आता है और उसे देख के पेगी और आगवर्ड को वो बिल्कुल बकी जैसा लगता है। फिर पेगी सभी को बताती है कि हमें होस्टल पाथ के पास कॉस्मिक रेडिएशन मिले हैं। इसके बाद पेगी उनकी टीम के आखिरी मेंबर डॉक्टर वेंडी लॉसन से मिलवाती है, जिसके बाद वे सभी मिलके केनी आइलैंड पीटर क्विल को रोकने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पीटर क्विल ने बहुत सारी तबाही मचा रखी होती है और एक गुड्डे वाली शॉप के सामने खड़ा होता है। उसे देख के टचाका कहता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई खतरा है। तो डॉक्टर वेंडी लॉस से कहती है देखने से पता नहीं चलेगा। जिसके बाद हम पीटर क्विल को देखते हैं, जो कि उस शॉप से एक गुड्डा लेता है और उस शॉप को उड़ा देता है। इसके बाद डॉक्टर वेंडी लॉस की सिप में चेक करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि मेले में खेलने लग जाता है। तो एंटमैन छोटा होके उसके पास चला जाता है, जहां वो चींटियों से उसे डराने लगता है। तो पीटर उन चींटियों से बचते हुए पून हाउस में चला जाता है, जहां उसके चारों तरफ मिरर होते हैं। ये सब देख के पीटर क्विल बहुत डरा हुआ होता है और वो आगे चलता है तो वहाँ एक डिवाइस पड़ा हुआ होता है, जिससे उसके चारों ओर लेजर लाइट आ जाती है। फिर वहाँ टचाका आ जाता है उसे रोकने के लिए, पर पीटर क्विल इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है। जिसके बाद वे सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सभी पे हमला करना शुरू कर देता है और उनकी सिप पे भी हमला करता है, पर विंटर सोल्जर उससे सिप को बचा लेता है और वो पीटर क्विल के सिप पे लग जाती है, जिससे डॉक्टर वेंडी नीचे गिरने लगती है, पर पोस्टर उसे बचा लेता है। इसके बाद सभी एक जगह इकट्ठा जाते हैं तो एंटमैन उन सभी से कहता है शायद हमें पीछे हटना चाहिए। फिर वे सभी ऐसा ही करते हैं और सिप से जाने लगते हैं, पर पीटर क्विल अपनी शक्तियों से उनकी सिप को ही रोक लेता है और उनकी सिप को मसलने वाला होता है। तभी आसमान में से बिजली कड़कती है और वो बिजली पीटर क्विल के ऊपर आके लगती है, जिसके बाद थॉर वहाँ जाता है, जिसे देख के वे सभी भी हैरान होते हैं। इसके बाद वे पीटर क्विल को शील्ड में लाके बंद कर देते हैं। फिर थॉर उन सभी को बताता है कि इस लड़के की वजह से नेम रेंज तबाह हो गई है और अब बस आखिरी अर्थ बची है। तो एजेंट कार्टर उससे कहती है तुम वहाँ से आए हो, तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्लान है? तो थॉर उन्हें सेलेस्टियल सीडलिंग बताता है और उन्हें बताता है कि इससे ईगो ने कई सारे प्लैनेट्स को तबाह कर दिया है, मैंने ये अर्थ पर मसूरी से लिया है। तो स्टार्क कहता है हम इस सीडलिंग को तबाह कर देते हैं, जिससे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिसपे थॉर कहता है सीडलिंग कॉस्मिक एनर्जी से प्रोटेक्ट है, उसे बस सेलेस्टियल सी खोल सकते हैं। तो हैंक बताता है हमारे पास उनमें से एक बंद है। फिर हम होप को देखते हैं, जो कि गाना सुनते हुए पीटर क्विल के पास चली जाती है और पीटर क्विल के पास जाके उसे अपने साथ गाना गाने को बोलती है, जिसके बाद होप उससे बात करने लग जाती है। पीटर उससे कहता है ये गाना मेरी मम्मी का फेवरेट था। तो होप उससे कहती है मेरी मम्मी का भी। फिर पीटर क्विल उससे कहता है अगर ये मेरे पास होता तो मैं भी ऐसे ही तुम्हारी तरह गाना गाते हुए घूमता, और उसे बताता है कि मैं मसूरी से हूँ। तो होप उससे कहती है मेरे डैड ने बताया है कि तुम एलियन हो। फिर पीटर उससे कहता है मैं यहीं से हूँ, मुझे बाद में यहाँ से ले गए थे। तो होप उसे अपने साथ छोटा करके वहाँ से ले आती है और इस सब के बारे में थॉर टचाला इन सबको भी पता लग गया होता है। इसके बाद हम होप को देखते हैं, जो कि उसे बड़ा करके बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसे वहाँ से जाने को बोल के उसे अपना रेडियो दे देती है। फिर हैंकपिंग ये भी वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद हैंकपिंग उसे आके पूछता है क्या तुम ठीक हो।
तो होप उसके पिता से कहती है वो बच्चा है मेरी तरह, और अब वो अपने घर चला गया। और हैंक को बताती है कि उसका घर यही है मसूरी में, जिसके बाद हैंक होप को उन सभी के पास ले आता है। तो होप उन सभी को बताती है कि इसके पीछे पीटर नहीं बल्कि उसके पिता है। तो थोर कहता है मैं उस बच्चे के पास जा रहा हूँ और सीडलिंग को तबाह कर दूंगा। तो स्टार्क उससे कहता है हम टीम के साथ काम करते हैं, और फोस्टर उससे कहता है हमें उसे लाने से पहले उसे समझना चाहिए। तो विंटर सोल्जर कहता है वो सीडलिंग के बिना भी खतरनाक है, और थोर भी उसका साथ देते हुए कहता है ये सही कह रहा है, उसका यहाँ रहना सही नहीं है। तो होप उससे कहती है तुम यहाँ सही करने के लिए हो, और पीटर को तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर हम पीटर को देखते हैं जो कि मसूरी जा रहा होता है, और उसे अपने पिता की आवाज आने लगती है, तो वो अपना गाना तेज कर देता है। जिसके बाद हम ईगो को देखते हैं जो कि कहता है मैं पीटर से बात क्यों नहीं कर पा रहा, जिसके बाद उसकी एआई बता देती है कि पीटर अर्थ पर है। फिर हम सीडलिंग को देखते हैं जो कि फैलना शुरू हो जाता है, और स्टार्क उन सभी को बताता है कि एक और एलियन आया है। फिर वे सभी दो टीमों में बढ़ जाते हैं, जिसमें से एक टीम पीटर को वापस लाने के लिए चली जाती है। वहां जाते हुए डॉक्टर वेंडी हैंक से कहते हैं क्या वो बच्चा अपने पिता से लड़ेगा। फिर हम दूसरी टीम को देखते हैं जो कि ईगो को रोकने के लिए चली जाती है, जहां ईगो आता है और कहता है तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे वापस चाहिए। तो थोर उसे रोकने के लिए जाता है, पर ईगो उसके आगे एक पहाड़ लगा देता है, जिससे थोर टकरा के वापस वही आ जाता है। फिर एजेंट कार्टर ईगो से कहती है अगर तुम हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो तो तुम्हें इसमें नाकामी मिलेगी। जिसपे ईगो उनसे कहता है मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, तुम ऐसे ही बढ़ते रहोगे लेकिन मैं तुम सबके अंदर रहूंगा। फिर ईगो अपने बहुत सारे क्लोन्स की सेना बना देता है, जिससे पोस्टर टचाका और थोर लड़ने लग जाते हैं, और एजेंट कार्टर भी तोपों से उन पे हमला करती रहती है। फिर हम थोर को देखते हैं जो कि म्यूनिर से बहुत सारे क्लोन्स को एक ही बार में खत्म कर देता है, और म्यूनिर को वापस लाता है तो बहुत सारे क्लोन्स को मिटा देता है। इसके बाद ईगो उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देता है, जिसपे एजेंट कार्टर तोपों से हमला करवाती रहती है, और स्टार्क से कहती है ईगो की फोर्स आ रही है, तुम्हें सीडलिंग को वहां से ले जाना होगा। इसके बाद स्टार्क विंटर सोल्जर से बात करने की कोशिश करता है। फिर हम विंटर सोल्जर को देखते हैं जो कि पीटर को मारने का मन बना लेता है। फिर हैंक पीटर से बात करने के लिए चला जाता है, और उससे कहता है मैं होप का पिता हूँ। तो पीटर उससे कहता है मैं इस सब के पीछे नहीं हूँ, ये मेरे डैड है, इस पावर से मेरा सर दर्द कर रहा है। इसके बाद हम ईगो को देखते हैं जो कि सीडलिंग ढूंढ रहा होता है, और वार सभी ईगो के क्लोनों से लड़ रहे होते हैं। फिर हम पीटर को देखते हैं जो कि कहता है मुझे लगा मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा तो मैं अकेला नहीं रहूंगा, पर मेरी माँ के बिना मुझे ये घर जैसा नहीं लगता। जिसके बाद विंटर सोल्जर जो कि हाइड्रा के कंट्रोल में जाता है कुछ देर के लिए, वो ठीक हो जाता है, पर वो अभी भी निशाना लगाए हुए होता है, और दूसरी ओर ईगो के क्लोन्स उन सभी को हराने लग जाते हैं। जिसके बाद हम हैंक को देखते हैं जो पीटर से कहता है होप ने भी अपनी मॉम को खोया है, जिसके बाद घर अब पहले जैसा नहीं लगता, और पीटर को समझाता रहता है। फिर स्टार्क वकी से कहता है तुम्हें टारगेट दिख रहा है पर मुझे आगे का भविष्य दिख रहा है, और कहता है स्टीव रोजर जिस दोस्त को जानता था वो ऐसा नहीं करता। जिसके बाद हम ईगो को देखते हैं जो कि सीडलिंग को लाने के लिए लग जाता है, और दूसरी ओर हैंक पीटर से कहता है हमारे साथ चलो, तो पीटर उसके साथ चलने के लिए मान जाता है और उसके गले लग जाता है। फिर हम बकी को देखते हैं जो कि उसे नहीं मारता। इसके बाद हम ईगो को देखते हैं जो कि सीडलिंग को वहां से ले जाता है, और थोर इन सबको ईगो के क्लोन्स रोक रखे होते हैं, और ईगो सीडलिंग को अंदर ले जाने ही वाला होता है, तभी वहां डॉक्टर वेन हैंकपिंग इनको लेके आ जाती है। जिसके बाद हैंकपिंग पीटर को अपने साथ बैठा के सीडलिंग को ले लेता है, और फिर दोनों ईगो के पास ही चले जाते हैं, जिसे देख के ईगो कहता है आखिरकार तुम समझ ही गए, अंत में सभी को मरी जाना है सिवाय हमारे। तो पीटर उससे कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम तो मेरी माँ से प्यार करते थे। तो ईगो कहता है हाँ मैं करता था, और उसी की वजह से हम हैं, तो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया। जिसपे पीटर उसे गुस्से से कहता है तुमने मेरी माँ को मारा। जिसपे ईगो कहता है हाँ तुम्हें अजीब लग रहा होगा लेकिन मेरे बिना तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। जिसके बाद पीटर सीडलिंग को अपने अंदर ले लेता है, जिसे देख के ईगो कहता है तुमने मुझे निराश किया, आखिरकार तुम एक इंसान ही हो। तो पीटर कहता है मुझे मेरी माँ स्टार लॉर्ड बुलाती है, और फिर अपनी पूरी पावर से ईगो पर हमला कर देता है, जिससे ईगो खत्म हो जाता है और उसके क्लोन्स भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद सभी मिलके पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ थॉर, टचाला, हॉगवर्ड स्टार्क सब होते हैं, और पीटर भी उनके साथ होता है। फिर हॉगवर्ड कहता है विंटर सोल्जर वार है, पर उसके साथ वकी वांस भी वार है। फिर उन सबके डिनर करने के बाद में थॉर कहता है अब मुझे जाना होगा। पीटर ने ईगो की कंपोरियल फॉर्म को खत्म किया है, पर उसका प्लेनेट अभी भी जिंदा है। तो टचाका उससे कहता है क्या तुम हमें नहीं बुलाओगे। जिसके बाद हैंक कहता है हम एक टीम है। इसी के साथ ही बाटी सीजन 2 का एपिसोड 2 खत्म जाता है। आई होप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाकी के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन जल्दी आ जाएंगे।